लाइट्स, साउंड चेक, कैमरा रोलिंग, रोलिंग एक्शन। हमारे सफर का दूसरा दिन, हम पहुंचे तपोवन। तपोवन में सीता माता का मायावी रूप उत्पन्न हुआ था और हमारे एंग्री यंग मैन लक्ष्मण जी ने सूपनखा की नाक यहीं पर काटी थी। तो आइए इस कहानी के बारे में और जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता का अपहरण कभी हुआ ही नहीं था, अपहरण हुआ था उनके इल्यूजन का, उनके मायावी रूप का। ये वही कुंड है जहां पर सीता माता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी मानकर इस कुंड में प्रवेश किया था और उनका इल्यूजन पैदा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता का अपहरण कभी पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज सीता माँ धरती माँ की बेटी थी। सीता माता का तेज इतना प्रभावशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकती थी। लेकिन क्या आपको पता है सीता माता के अपहरण की स्थिति कैसे आई? एक दिन रावण की बहन सूर्पनखा पंचवटी पहुंची। पंचवटी में उसने भगवान राम को देखा। भगवान राम को देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने भगवान राम को विवाह के लिए पूछा। भगवान राम सीता माँ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सूर्पनखा को मना किया। उसी समय लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और फिर सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी को भी विवाह के लिए पूछा, लेकिन वहां भी वही हुआ, लक्ष्मण जी ने वो स्वीकार नहीं किया। सूर्पनखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सीता माता पर अटैक करने चली गई। उसी समय सूर्पनखा ने सीता माँ के ऊपर अटैक किया और लक्ष्मण जी सीता माँ को बचाने के लिए उन्होंने अपने तलवार से सूर्पनखा की नाक काटी और यहीं से शुरू हुआ था रामायण का दूसरा अध्याय। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां, फैक्ट्स और इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।